बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घंटा 2 घंटे 3 घंटे भजन करके शेष समय सेवा सत्संग स्वाध्याय में अपने मन को लगाकर मालिक से दिल की तार जोड़े रखोगे तो आत्मिक शांति बनी रहेगी। जिस मन रूपी शत्रु ने कई जन्मों में तुम्हें धोखा दिया उस पर विश्वास ना करो। दृढ़ विश्वास करके गुरु शब्द से उस पर विजय प्राप्त कर लो। मन भजन में ना लगे तो बार बार लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मन भजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगेगा ही नहीं। जो बीती सो बीती, शेष श्वास मालिक को अर्पण करो। शांति के अमृत से जीवन को मधुर बनाओ। यदि कोई तुम्हारे विचारों के अनुकूल नहीं चलता तो क्रोध ना करो। सोचो कि तुम अपने मालिक की मौज के कितना अनुकूल चलते हो। पहले अपने आप को अनुकूल बनाओ। लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने से अच्छा है कि एकांत में प्रभु का चिंतन करो। भजन के समय शरीर को सावधान और सीधा करके बैठाओ। मन को सावधानी से मस्तक में दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में स्थिर करो। जैसे परीक्षा के दिन निकट आने पर बालक अधिक पढ़ाई करते हैं, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि जैसे जैसे जीवन के दिन व्यतीत होते जाएं, वैसे वैसे अभ्यास के लिए समय और पुरुषार्थ बढ़ाते चलें। जो कुछ प्रभु प्रदान करे उसे प्रसाद समझ प्रसन्नता से खाओ। खाते समय क्रोध ना करो, चिंताएं भुला दो। हंस हंस के खाओ तो उसमें अमृत सम स्वाद आएगा। यदि अपने अशुभ विचारों पर नियंत्रण करोगे तो कुकर्मों से बच जाओगे और दंड नहीं पाओगे। मन को सुमिरन करने का स्वभाव तो है ही, फिर क्यों ना उससे लाभ उठाया जावे। जैसे चलती हुई रेल का कांटा बदलने से रेल एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, इसी प्रकार मन के सुमिरन का कांटा विषय विकारों से बदलकर नाम सुमिरन में लगाया जाएगा तो 84 से बचकर परम पद को प्राप्त करोगे। एक सेवक ने सद्गुरु के चरणों में विनती की, अब मेरा कारोबार मेरे पुत्र संभालते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब तुम अपने काम में जुट जाओ। अपना काम क्या है? राम सुमेर एही तेरे काज हैं, अर्थात नाम के अभ्यास में लग जाओ। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा, हड्डी टूट गई, कई वर्षों के पश्चात ठीक हुआ। गिरा तो सेकंड में था परंतु ठीक कई वर्षों में हुआ। इसी प्रकार सुरती की चढ़ाई पहाड़ की चढ़ाई से भी कठिन है। तनिक बुराई की ओर फिसल गई तो पुनः उसी स्थान पर लौटने में अत्यधिक समय लग जाएगा। इसलिए सेवक को हर समय बुरी संगति से बचना चाहिए। कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। शरीर नाम की कमाई करने के लिए मिला है, इसलिए साधारण सात्विक और कम भोजन खाना चाहिए, जो मन को शुद्ध करेगा तथा शुद्ध मन से सुमिरन होगा।
पूर्ण एकाग्रता से सुमिरन करो तो अथाह शक्ति उपलब्ध होगी। सांसारिक दुख आपके सम्मुख ठहर ही नहीं सकेंगे। कई कहते हैं कि मन नाम में नहीं लगता, मन लगे या ना लगे तुम उठो मत, तन को बरजोरी बिठाओ तो मन भी एक दिन स्थिर हो जाएगा। सांसारिक उतार चढ़ाव आने पर उतावले मत होवो, क्योंकि यह हमेशा स्थिर नहीं रहते। धैर्य पूर्वक मालिक की कृपा पर विश्वास रखो और मालिक का चिंतन करो, जिससे शारीरिक एवं आत्मिक दोनों लाभ होंगे। सदैव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करो। प्रसन्नता सदा सत्पुरुषों की संगति से ही मिलती है। यदि मन में क्रोध आए तो सतगुरु के शब्द द्वारा इस पर नियंत्रण करो। इसी प्रकार अन्य विकारों के आक्रमण से बचने के लिए भी गुरु शब्द का अभ्यास आवश्यक है। बुरी नजर से किसी को मत देखो और ना ही किसी से कटु वचन बोलो। जैसे स्वास्थ्य के लिए शरीर, वस्त्र, मकान इत्यादि की स्वच्छता आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मिक उन्नति के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक है। दुख में और सुख में यही कहो कि तेरा भाणा मीठा लागे। आराम तलब ना बनो, सदैव एक से दिन नहीं रहते। बड़े बड़े पहुँचे हुए पर भी कष्ट के दिन आ जाते हैं। यदि गर्मी सर्दी दुख सुख सहन करने का स्वभाव बन जाएगा तो कठिनाई ना होगी। शरण पड़े की लाज प्रभु रखते आए हैं। तुम भी पूर्णतः मन से चिंता और चतुराई त्याग उनकी समर्थता में विश्वास रखो। आपा भाव त्यागो तो निस्तार हो जाएगा। सुखमनी साहिब में एक पंक्ति है, गल पाथर कैसे तरे अथा, अर्थात जिसके गले में बड़ा पत्थर बंधा हो वह सागर को कैसे पार कर सकता है। जब यह असंभव है तो जिसके साथ पांच बड़े बड़े विकार रूपी पत्थर बंधे हों तो वह भवसागर से पार कैसे होगा। इसलिए शब्दाभ्यासी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों को त्याग कर देना चाहिए। अभ्यासी पुरुष जो कि अभ्यास में संलग्न रहता है, संसार में यदि उसका कोई प्रिय संबंधी चल बसे तो उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि उसका मन सच्चे नाम के अभ्यास में लगा होता है। युवा अवस्था में ही अच्छी संगति करने वाला वृद्धावस्था में परेशान नहीं होता। सतगुरु के समान परोपकारी इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि उनके उपकार में जीव कल्याण की भावना निहित है। लेकिन आम संसारी लोगों के उपकार की भावना में कोई न कोई स्वार्थ छिपा ही होता है। इसलिए इस प्रकार के उपकार से आत्मिक उन्नति नहीं होती। जीव अपनी सामर्थ्य को भूलकर दीन दुखी होकर गुलामों जैसे पराधीन जीवन व्यतीत करता है। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसे सतगुरु की शरण प्राप्त होती है। सतगुरु उसे उसकी महान शक्ति का बोध कराते हैं और शब्द रूपी डोर प्रदान कर उसे सचखंड में ले जाते हैं। जन्म जन्म के बिछड़े हुओं को परमपिता से मिलाकर गुलाम से मालिक बना देते हैं। धन्य है सतगुरु।
ए सत्संगी, देखा देखी अपनी मांगे ना बढ़ाओ। तुम्हें भजन में उन्नति करने की अभिलाषा है तो सांसारिक पदार्थ बढ़ाने वालों से रीस ना करो। पूर्व की तरफ जाना हो तो पश्चिम दिशा की ओर पीठ करो, नहीं तो समय व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। जिसमें इच्छा नहीं है वह शाहों का शाह है। बाहरी परिस्थितियां उसकी चाहे कैसी भी हों, इच्छाओं वाला भूखा और दुखी है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों हों। चाहे कितना मूल्य दो, जीवन का एक श्वास भी नहीं बढ़ सकता। ऐसे अमूल्य श्वासों की कदर करो और इन्हें गुरु शब्द में लगाकर सफल करो। सांसारिक वस्तुओं में से कोई भी वस्तु परलोक में साथ ना देगी, उसके लिए पाप ना करो, नहीं तो हिसाब किताब देते समय पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि सच्चे नाम की अभिलाषा है तो काम का त्याग करो। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे ही नाम और काम दिल में एक साथ नहीं रह सकते। यदि तुम में यह इच्छा है कि सांसारिक रूप रंग मुझे आकर्षित ना करें, तो सद्गुरु के सुंदर स्वरूप से इतना प्रेम या प्रीति बढ़ाओ जितनी मछली की जल से है। दूसरों का उद्धार होना इतना कठिन नहीं जितना निंदक का, क्योंकि जब केवल अपने पाप धोना ही कठिन है तो निंदक जो दूसरों की निंदा करके उनके पाप भी अपने ऊपर ले लेता है, उसका उद्धार कैसे होगा। नाम के सुमिरन से ही अंतःकरण शुद्ध होता है और उसी के द्वारा ही शुभ कर्म भी होते हैं। कई लोग नाम का सुमिरन छोड़ अन्य शुभ कर्म आरंभ कर देते हैं, परंतु आधे मार्ग में ही गिर जाते हैं। किसी को अहंकार गिरा देता है, किसी को कर्मफल की इच्छा आगे बढ़ने से रोक लेती है। संतों के नाम के सुमिरन पर जोर दिया है, इसलिए नाम का सुमिरन करना जड़ को पानी देना है और नाम को विस्मृत कर शेष कर्म करना पत्तों को गीला करना है। जो माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी संतान सदैव सुखी रहे, तो उन्हें चाहिए कि संतान के मन में सत्संग के संस्कार आरंभ से डालें। भजन में उन्नति चाहने वालों को कम बोलने का स्वभाव बनाना चाहिए। जिन बातों से तुम्हारा काम ही नहीं, उनमें व्यर्थ हस्तक्षेप ना करो। अपने जीवन का एक एक श्वास सोच समझकर खर्च करो और लाभप्रद सौदा करो। जो कहे कि मालिक भी मिले और कष्ट भी ना हो, वह तो बातों के पकवान खाता है। जितनी श्रेष्ठ वस्तु होगी उतना अधिक मूल्य देना होगा। झूठे संसार के लिए मनुष्य कितने कष्ट उठाता है, यदि सच्चा मालिक सर के बाहर मिले तो भी सस्ता कहा जाएगा। यह सोचकर दुखी ना हो वो कि यह ऐसा क्यों हुआ। यह चीज कुदरत पर छोड़ दो तो अनेकों दुखों से बच जाओगे। जैसे एक दिन उपवास रखने से भी शरीर में कमजोरी प्रतीत होती है, इसी प्रकार
एक दिन भजन ना करने से आत्मा कमजोर हो जाती है, इसलिए नियम से भजन करो। जब सब कुछ एक दिन छोड़ जाना है तो शोक आदि त्याग प्रसंचित हो जीवन व्यतीत करना ही सत्संगी का स्वभाव होना चाहिए। अभी अभी अमुक मनुष्य जीवित था, एक मिनट बाद सुनते हैं कि वह शरीर छोड़ गया। ऐसे नाशवान शरीर पर भरोसा रखकर किसी से कर्कश बोलना या शत्रुता बढ़ाना अज्ञानता है। संसार में संयोग वियोग तो अटल बात है, जितना जितना एक दूसरे से लेन देन होगा उतना ही मिलाप होने पर फिर विलग हो जाओगे। इसी बात पर यदि दृढ़ निश्चय कर लोगे तो महान दुख से बच जाओगे। गुरु चरणों की छाया में रहो तो तृप्त हो जाओगे और कठिनाई भी सरल हो जाएगी। अमुक व्यक्ति को श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे दर्शन दिए, अमुक को ऐसे सहयोग दिया, ऐसी बातें सुनकर प्रत्येक के हृदय में यह अभिलाषा होती है कि मुझे भी दर्शन दें और सहायता करें, परंतु स्वयं को वैसा विनम्र और कृपा पात्र बनाने का प्रयत्न नहीं करते। सद्गुरु की कृपा को सरल व दीन हृदय ही प्राप्त कर सकता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम कल सुबह 5 बजे अगले 5 वचनों के साथ एक नया वीडियो लेकर आएंगे। जय सच्चिदानंद जी।